आकाशवाणी पोर्टबैट से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पोर्टब्लेयर और बाराटांग के बीच वैकल्पिक समुद्री मार्ग परियोजना लागू की जाएगी। पर्यावरण संबंधी मंजूरी के प्रस्ताव पर जन सुनवाई कल बाराटांग में होगी। उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल ए के सिंह आज पोर्टब्लेयर के मरीना पार्क में परमवीर चक्र स्मारक का उद्घाटन करेंगे। पोर्टब्लेयर और करारगंज के बीच राज्य परिवहन आज से वातानुकूलित बस सेवा शुरू कर रहा है। द्वीप समूह में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है और एमवी निकोबार आज विशाखापट्टनम जा रहा है। समाचारों के संक में श्रीनाथ वशिष्ठ के साथ मैं राकेश चंद्रलाल। पोर्टब्लेयर और बाराटांग के बीच वैकल्पिक मार्ग शुरू करने की दिशा में प्रगति हुई है। पिछले महीने की 25 तारीख को नई दिल्ली में जागरानी सचिव की अध्यक्षता में स्थायी वित्त समिति की बैठक में इस परियोजना पर चर्चा हुई। उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार इस बात पर सहमति हुई कि जारवा आरक्षित क्षेत्र से होकर एटीआर पर पर्यटक वाहनों की आवाजाही अधिक नहीं होनी चाहिए। वैकल्पिक समुद्री मार्ग शुरू होने से पर्यटक जहाजों के माध्यम से बाराटांग जा सकेंगे। इस परियोजना के विकास का कार्य अंडमान लक्षद्वीप बंदरगाह निर्माण कार्य द्वारा किया जाएगा। परियोजना पर करीब 45 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये परियोजना 2 वर्षों में पूरी हो जाएगी। स्थायी वित्त समिति ने सिफारिश की है कि अंडमान निकोबार प्रशासन निजी क्षेत्र की साझेदारी में फेरी नौकाओं के संचालन का प्रयास करे, इससे राजस्व प्राप्त हो सकेगा। स्थायी वित्त समिति का मानना है कि द्वीप समूह में बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए भाड़ा अधिक होना चाहिए और द्वीपवासियों को रियायत मिलनी चाहिए। इसके अलावा स्थायी वित्त समिति ने पोर्टब्लेयर और डिगलीपुर के बीच पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों के लिए बसों के संचालन में निजी भागीदारी को प्रोत्साहन देने की सिफारिश भी की है। प्रशासन की ओर से जारी विज्ञप्ति में स्पष्ट किया गया है कि वैकल्पिक समुद्री मार्ग परियोजना के लिए अंडमान लक्षद्वीप बंदरगाह निर्माण कार्य की ओर से पर्यावरण संबंधी मंजूरी प्राप्त करने के लिए वन और पर्यावरण मंत्रालय में प्रस्ताव भेजा गया है। मंत्रालय के निर्देश पर अंडमान निकोबार जनसंख्या नियंत्रण समिति द्वारा बाराटांग के नीलांबुर पंचायत हॉल में कल जन सुनवाई का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम सुबह 10 बजे शुरू होगा। इस सुनवाई में कोई भी व्यक्ति या स्टेक होल्डर अपने सुझाव दे सकते हैं। पोर्टब्लेयर के मरीना पार्क में परमवीर चक्र स्मारक का निर्माण किया गया है। उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल ए के सिंह आज स्मारक का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर उपराज्यपाल द्वारा सिटीजन चार्टर भी जारी किया जाएगा। इस कार्यक्रम में नागरिक प्रशासन और रक्षा विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। समारोह आज शाम 4:45 पर आरंभ होगा।